Today we study formation of quadratic equation whose roots are given. Previous lectures में हमने quadratic equation से उसके roots find out किए, roots का sum और roots का product. अब हम roots को जो quadratic equation को solve करके खुद हमने solution find out किया, उसके दो roots हमने find out किए. अब उसके reverse method पे जा रहे हैं कि हमें अब quadratic equation जो है वो खुद बनानी है roots की help से. अब roots की help से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर गिवन, कि कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जब हमें किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन हो. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और अल्फा बीटा उसके रूट्स को अगर हम नाम देते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब अल्फा बीटा अगर उसके रूट्स हैं तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए. अब अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए, क्योंकि हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स में भी डिनोमिनेटर में ए है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी डिनोमिनेटर में ए है, तो क्या किया हमने, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए. ईच एंड एवरी टर्म को जब हमने ए से डिवाइड किया तो ए यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय ए हुआ तो वन बन गया, बी डिवाइडेड बाय ए यहाँ पे बी था, बी डिवाइडेड बाय ए सी डिवाइडेड बाय ए, और जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल टू जीरो, तो क्या बना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू जीरो. बट हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो माइनस बी बाय ए होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्लस बी बाय ए, तो प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस. प्लस को हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, माइनस इंटू माइनस बी बाय ए, और बी बाय ए के साथ क्या था, एक्स प्लस सी बाय ए. बाकी सारी चीज़ें एज इट इज उसी तरह हमने लिखी. ये जो हमारे पास बी बाय ए के साथ प्लस था इसको हमने चेंज कर दिया माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस अगेन क्या बन जाता है, प्लस. अब हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और साथ उसके क्या है, एक्स, और सी बाय ए को क्या कहते हैं, अल्फा बीटा. मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस एस, और उसके साथ एक्स है, प्लस अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर गिवन. आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो उनसे आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. अब उसको से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें जो रूट्स बने उन रूट्स का हमें सम फाइंड करना होगा, उन रूट्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, और फिर हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स हमें गिवन थे. कि मींस हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट किए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें गिवन है और हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करनी है. मींस अब हम रिवर्स प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं. तो अब जब हम ये जो रिवर्स प्रोसीजर है ये करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनाने के लिए जो भी रूट्स गिवन है उसके सम और उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. वो जो रूट्स हमें गिवन है उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे सम और प्रोडक्ट की, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर गिवन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. वी हैव टू फाइंड एस एंड पी, एस मीन्स सम ऑफ रूट्स एंड पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो जो रूट्स हमें गिवन होंगे हम उन दोनों रूट्स का सम भी फाइंड करेंगे, हम उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे, देन हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स हमें गिवन है वन एंड वन बाई टू. अब रूट्स हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गिवन में हमने लिखा रूट्स टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो. एस मीन सम ऑफ रूट्स, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब ये दो रूट्स हमें गिवन है,
इनकी हेल्प से हम डायरेक्टली वो इक्वेशन बना सकते हैं जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अब सबसे पहले हमें जो रूट्स गिवन है हम उनके लिए सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि फार्मूला में एक जो रूट्स का सम है वो यूज़ हो रहा है और दूसरा रूट्स का प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। तो सम ऑफ रूट्स हम फाइंड करें, सम ऑफ रूट्स मीन्स हमने दोनों रूट्स को ऐड कर देना है। एक रूट हमारे पास वन था, दूसरा वन बाई टू था, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वन प्लस वन बाई टू सम ऑफ रूट्स। अब वन बाई टू इज अ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के मिड में एडिशन आ गया, तो फ्रैक्शन के मिड में एडिशन है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स वन है, वन और टू का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टू। अब इसके डिनोमिनेटर में टू नहीं है तो उसके न्यूमिनेटर के साथ टू मल्टीप्लाई किया, और इसके डिनोमिनेटर में टू कम्प्लीट था तो उसके साथ टू नहीं सिर्फ वन मल्टीप्लाई किया, क्योंकि टू वन ज़ार टू होता है। अब एलसीएम ऑलरेडी आप बार बार कर चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं नंबर्स के लिए एलसीएम, तो आपके पास ये कंपलसरी है कि जब आप एलसीएम लें तो डिनोमिनेटर में एलसीएम का जो फैक्टर मिसिंग हो उसे न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना कंपलसरी। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, टू वन इज टू प्लस वन वन जो वन, टू प्लस वन थ्री डिवाइड बाई टू, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास एस की वैल्यू आई है, सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया थ्री बाई टू। अब हमारे पास फॉर्मूला में दो चीज़ें हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एस एक्स, एस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब नेक्स्ट क्या है, पी, नेक्स्ट होता है पी। अब पी मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यही जो दोनों रूट्स हमें गिवन है इनका हम क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, वन मल्टीप्लाई बाय वन बाई टू। अब वन और वन बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन जब भी फ्रैक्शंस के मिड में हो तो हम कैंसिलेशन करते हैं, अगर पॉसिबल हो न्यूमिनेटर का फैक्टर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो सकता हो, नहीं तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मींस वन है, तो वन वन जो वन एंड टू टू अंदर टू, तो क्या आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, वन बाई टू। अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यूजिंग फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू जीरो। आपको अगर किसी इक्वेशन के रूट्स पता है और आपने वो इक्वेशन खुद फाइंड आउट करनी है तो आपको उस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होने चाहिए। तो हमने सम भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एक्स क्या है हमारे पास थ्री बाई टू, प्लस पी इज इक्वल टू जीरो प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन से अगर हम रूट्स फाइंड आउट करते रहे तो हमारे पास सेम वही रूट्स आएंगे जो हम हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास टू आ गया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई टू, थ्रू आउट सबको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब थ्रू आउट जब सबको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, टू इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसे क्या बना देगा, टू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स के साथ जब टू मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर वाला टू न्यूमिनेटर वाले टू से कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स थ्री एक्स प्लस वन, जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इक्वल टू जीरो, तो जीरो के साथ जब टू मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, जीरो। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर वन एंड वन बाय टू। तो अब पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उसके दोनों रूट्स फाइंड करते थे चैप्टर नंबर वन में, देन हमने चैप्टर नंबर टू के स्टार्ट में डिस्क्रिमिनेट पढ़ा कि हम नेचर ऑफ रूट्स डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेट से बता सकते हैं, फिर हमने रिलेशन पढ़ा रूट्स और कोफिशियंट का कि हम इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए बगैर उन रूट्स का सम और डिफरेंस बता सकते हैं। अब हम उसी के रिवर्स प्रोसीजर पे जा रहे हैं कि हम रूट से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। पहले हमें इक्वेशन गिवन होती थी, इक्वेशन से हम ये सारे काम करते थे, अब हमें रूट्स गिवन है और रूट से हमने खुद इक्वेशन बनानी है। तो रूट से इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स हैं, दोनों रूट्स का सम और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है जो गिवन रूट से, और फिर उसको फॉर्मूला में पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो विच गिव्स द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। इसी पैटर्न पे आपने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करने हैं। अब फोर्थ पार्ट में आपको गिवन क्या है, आपके पास थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू एंड थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू। अब थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू एंड थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू, अब मिड में कॉमा है, मीन्स दिस इज द फर्स्ट रूट एंड दिस इज द सेकेंड रूट, एंड वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दीज रूट्स। अब फर्स्ट और सेकेंड जो रूट्स हमें गिवन है, हमें इन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्योंकि फार्मूला जो यूज होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। अब सम ऑफ रूट्स,
सम ऑफ रूट्स मीन्स ये जो दोनों रूट्स हमें गिवन थे हमने उन्हें क्या किया, ऐड किया, प्लस किया, प्लस अब आपने जब किया तो आपके पास प्लस स्क्वायर रूट टू माइनस स्क्वायर रूट टू के साथ क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ सम ऑफ रूट्स, 6 मीन्स हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 6, सम ऑफ रूट्स। दूसरी हमने फाइंड आउट करनी होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है आपने इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द फर्स्ट रूट, दिस इज द सेकंड रूट एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई। अब रूट्स में एक से ज्यादा वैल्यू हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें, वैसे तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को पहले सारी सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड को सारी सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्म बन रही हो, जैसे यहाँ पे बन रही है कि फर्स्ट टर्म रिपीट हो रही है 2 times, दोनों एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म रिपीट हो रही है 2 times, सेकेंड टर्म भी रिपीट हो रही है 2 times, प्लस और माइनस के साथ दोनों एक्सप्रेशन हैं, तो मीन्स हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि फर्स्ट टर्म 2 times रिपीट हुई, सेकेंड टर्म भी रिपीट हुई, मिड में प्लस और माइनस है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, a 3 इज a एंड स्क्वेयर रूट 2 इज b, a हमारे पास 3 है और स्क्वेयर रूट 2 जो है वो हमारे पास b की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या बना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला यूज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करने से हमारे पास क्या आ गया, 3 whole square माइनस स्क्वेयर रूट 2 whole square। अब 3 whole square का मतलब क्या है, 3 को 2 times मल्टीप्लाई करें तो 9, स्क्वेयर रूट 2 whole square, अब स्क्वेयर स्क्वेयर रूट 2 को क्या कर देगा, कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, 2, 9 - 2 = 7, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 7। सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारे पास आ गया है, हमारे पास फॉर्मूला में यही दो चीज़ें यूज होती हैं, तो हम इन दोनों को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, जो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस बी, द वैल्यू ऑफ एस इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 7, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 प्लस स्क्वेयर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वेयर रूट 2। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसके रूट फाइंड करेंगे, तो आपके पास यही रूट्स आएंगे, दिस इज द वेरीफिकेशन। अगर आप वेरीफिकेशन करना चाहते हैं कि आप चेक करते हैं कि आपने जो इक्वेशन फाइंड की है वो ठीक है या नहीं, तो आप इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के बाद आपके पास सेम यही रूट्स आएंगे जो अभी आपने रूट्स फाइंड आउट आपको गिवन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको गिवन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कोई नंबर्स की फॉर्म में रूट्स गिवन नहीं है, रूट्स का गिवन इक्वेशन के साथ रिलेशन गिवन है, आप उस गिवन इक्वेशन के रूट्स की हेल्प से अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, कैसे, जिस इक्वेशन जो आपने बनानी है उसके रूट्स इक्वल होने चाहिए स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कि आप जो इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, आपने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उसके स्क्वायर्स के बराबर होंगे। द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले तो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को नाम देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स की फॉर्म में तो रूट्स हैं नहीं, और जो चीज़ हमें पता नहीं होती हम उन्हें वेरिएबल से सपोज करते हैं। तो आपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को नाम दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो दो रूट्स हैं, एक रूट को हमने अल्फा का नाम दे दिया, दूसरे रूट को बीटा का नाम दे दिया। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जनरल इक्वेशन है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन नहीं थी कि हम ए बी सी की वैल्यू निकालते देन हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते, डायरेक्टली हमने सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख दिया, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए। अब हमने इक्वेशन में, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन होती, नंबर्स की फॉर्म में होती, तो हम नंबर से ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करते देन उन्हें पुट करते और सम और प्रोडक्ट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते। बट यहाँ पे हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो जनरली हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लिख दिया। ये हमारे रूट्स थे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हमारी इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर के इक्वल होंगे। मींस अगर ये इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इसी इन्हीं रूट्स के स्क्वायर, मींस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। कि
have to find a quadratic equation whose roots are alpha square and beta square. हमें एक ऐसी quadratic equation find out करनी है जिसके roots alpha square और beta square हों. और given quadratic equation के roots का नाम, क्योंकि हमने alpha और beta रखा था, तो उसकी help से हम alpha square और beta square find out करेंगे. तो हमने sum of roots और product of roots find out किया. अब given condition के according क्या होगा हमारे पास? Given condition के according roots of required equation are square of the roots of given equation. हमें question की statement में ये बात given है कि हमारी जो equation ने हमने बनानी है, जो हमें required equation है, उसके जो roots होंगे वो इस given equation के square होंगे. अब रूट्स गिवन इक्वेशन के हमारे अल्फा और बीटा थे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, गिवन इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर के इक्वल हैं. अब हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके ये रूट्स हैं. अब हमारे पास इक्वेशन के जो रूट्स हों, उन रूट्स को सम और प्रोडक्ट, उन रूट्स की ये दोनों चीज़ें फाइंड करके हम पुट करें अपनी इक्वेशन में, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाती है. मीन्स हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है जो हमें सम की वैल्यू देगा, और हमें अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर फाइंड करना है जो हमें प्रोडक्ट की वैल्यू देगा. फिर हम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो में वो वैल्यूज पुट करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे. अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो हमारी गिवन इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट होगी, गिवन इक्वेशन के रूट्स की हेल्प से. तो गिवन इक्वेशन के रूट्स की हम हेल्प लेंगे और उसकी हेल्प से हम उनके स्क्वायर के साथ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे जो रूट्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है. सम का मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं, हमने तो अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो फंक्शंस फाइंड आउट किए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाय ए के इक्वल है, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है वो सी बाय ए के इक्वल है. ये दोनों वैल्यूज तो हम पुट कर सकते हैं, बट ये वाली वैल्यूज तो हमारे पास नहीं है. बट हमें फार्मूला तो पता है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बार बार हमने यूज़ किया कि अगर हमें स्क्वेयर्स वाले फंक्शन को रिप्लेस करना हो तो हम स्क्वेयर का फार्मूला यूज करेंगे. कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल होता है किसके? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी. अब इसमें आपको चाहिए क्या? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. तो आप ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को सेपरेट करेंगे तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ए इज अल्फा बी इज बीटा, तो किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस टू अल्फा बीटा. आपके पास a is alpha, b is beta, तो a square plus b square equal हो जाएगा a plus b whole square minus 2ab, जिसमें a को हम alpha और b को beta से replace करें, तो alpha square plus beta square किसके equal होगा? alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. तो alpha square plus beta square को जब हम इन दोनों values से replace करेंगे तो हमारे पास alpha square plus beta square किसके equal आया? alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. अब alpha plus beta की value हमें पता है, हम previous में find कर चुके हैं, sum of roots minus b by a, और product of roots क्या है? alpha beta c by a. तो उनकी values हम put करेंगे. अब minus b by a whole square, minus का square क्या बन जाएगा? plus b square, means b by a whole square means b पे भी square लेंगे, a पे भी square लेंगे, and minus 2 c divided by a. अब 2 numerator में है तो उसे numerator वाली value c के साथ multiply करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2c divided by a, b square by a square minus 2c by a. both of these are fractions and minus is present in between them, so we can solve these fractions by taking LCM. fractions है, हम इन्हें LCM लेके solve करेंगे. अब a square और a का LCM क्या आएगा? a square का मतलब है a multiply by a, और दूसरी हमारे पास है a. A is common factor and this A is non-common factor. LCM means common factor into non-common factor. तो LCM में क्या आएगा हमारे पास? A square आएगा. अब जब हमारा LCM A square आया तो LCM के साथ जो जिस denominator में LCM missing होगा उसके साथ उसे multiply करना होगा. First denominator में LCM complete है तो यहाँ पे क्या multiply हुआ numerator के साथ? Just one. Second के साथ एक A है, दूसरा A नहीं है, तो वो A हमने उसकी numerator के साथ multiply कर दिया. B square minus 2AC divided by A square. ये हमारे पास हमारी required roots का sum आया. given roots का sum minus b by a था, लेकिन हमारे required roots जो है वो alpha square plus beta square है. तो alpha square plus beta square का जो sum आया वो क्या है? b square
माइनस टू ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट कर दिया। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें दूसरा इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट भी चाहिए। हमें जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम भी चाहिए और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट भी चाहिए। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है कि होल पावर अगर आपके पास सेम पावर हो दोनों बेसिस पे, तो आप क्या करते हैं उस पावर को होल में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये किया, अल्फा पे भी स्क्वायर था बीटा पे भी, तो उसको क्या लिखा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले फाइंड आउट की हुई अपनी गिवन इक्वेशन से, तो हम अल्फा बीटा की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सी बाय ए होल स्क्वायर विच गिव्स सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस गिव्स दस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमने सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिए, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए। सो बाई यूजिंग फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, putting values in this formula. S is b square minus 2ac divided by a square and p is c square by a square. X square minus s x plus p is equal to 0. अब अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में x square है, तो हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय a square. ए स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर वाला एक्स न्यूमिनेटर वाले एक्स को काट देगा, थर्ड टर्म में भी कट कैंसिलेशन हो जाएगी और ए जीरो मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बिकम्स जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर विच आर द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर्स के इक्वल है। हमने अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अल्फा और बीटा का नाम दिया, फिर हमने उन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड किया अपनी गिवन इक्वेशन की हेल्प से। देन हमने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन की को फाइंड आउट करने के लिए हमने रूट्स जो थे उनको स्क्वायर्स में चेंज किया और उसके स्क्वायर्स के साथ सम भी फाइंड किया और उनके स्क्वायर्स के साथ प्रोडक्ट भी फाइंड किया। और जब हमने इन स्क्वायर्स के रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड किया तो उससे हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनी जो हमारी गिवन इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर्स के इक्वल है। अब इसी पैटर्न पे आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एग्जांपल्स भी गिवन है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जब आपको रूट्स मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन हो। मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन होंगे तो आप डायरेक्टली उन्हें ऐड और सबट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी गिवन था और यहाँ भी गिवन है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। जब आप ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और स्क्वायर रूट 5 में से 5 खत्म हो जाएगा तो माइनस हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस एस इज 2 एंड माइनस पी प्लस पी पी इज माइनस 4 और प्लस बाहर वाला फॉर्मूला वाला और पी की वैल्यू वाला प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा। इसी पैटर्न पे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। आपके पास इसी पैटर्न पे नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स गिवन है, उन एग्जांपल्स को भी आप सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स आपके पास क्या गिवन है, आपको सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, जो भी रूट्स गिवन है आपने उनका सम फाइंड करना है और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपने उनको उसमें पुट कर देना है। अब आपके पास इसी तरह से रूट्स ये गिवन है, जैसे आपको नजर आ रहे हैं 2a + 2, 2a + 1, 2a + 2b + 1। आपने इन दोनों की हेल्प से जब इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इन दोनों रूट्स को ऐड भी करेंगे और इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसी तरह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर आपके दो रूट्स हो तो आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड भी कर लेंगे और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब आपके पास कोई इक्वेशन है नहीं, कोई इक्वेशन हो आपके पास तो आप उसकी हेल्प से वो रूट्स जो फाइंड करते हैं उनकी वैल्यूज पुट करते हैं, नहीं है तो आपको जो जो वैल्यूज गिवन है वेरिएबल्स गिवन है तो उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे और नंबर्स गिवन है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। आप सम भी फाइंड करेंगे प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी हमारे पास, हम उसे सॉल्व करते थे बाय फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके दो रूट्स फाइंड आउट करते थे। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से डायरेक्ट उसके नेचर ऑफ रूट्स बता दिए फाइंड किए बगैर। फिर हमने रिलेशन से कोफिशिएंट के रिलेशन से रूट्स के साथ सम और प्रोडक्ट बता दिया। बट अब हम प्रॉपर उसके रिवर्स प्रोसीजर पे चले गए कि रूट्स हमें गिवन थे, रूट्स की हेल्प से हमने
उसकी इक्वेशन बनानी है। जैसे आपको यहाँ फोर्थ पार्ट में गिवन है 2/3 and 3/2, ये दो रूट्स आपको गिवन है, तो आपने इन दोनों से इक्वेशन बनानी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसी पैटर्न पे आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप इन दोनों रूट्स को सम करेंगे, मीन सम करेंगे, तो आपको एलसीएम लेके कम्प्लीटली इसको सॉल्व करना होगा, और देन आप इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास सम और प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, उन सम और प्रोडक्ट के आंसर को आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस बनती जाएंगी। अब इसी पैटर्न पे आपने एक्सरसाइज जो आपने 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर नीट एंड क्लीन नीट नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है, और एग्जाम्पल नंबर 17 आपके पास है। एग्जाम्पल नंबर 17 की आपने प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल नंबर 17 आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है और इक्वेशन खुद आपको बनानी है। तो पहले आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, उसको प्रॉपरली अच्छी तरह से रीड करना है, उसको रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, फार्मूलाज को, फार्मूला आपको याद हो जाएगा, फार्मूला आपको समझ आ जाएगा, तो फिर आप रूट से इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जो फार्मूला है उसको उसकी डेरिवेशन भी नीट नोट उस पर रफ नोटबुक पे करनी है, एग्जांपल की भी प्रैक्टिस करनी है, देन आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रॉपर नीट एंड क्लीन नीट नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।